बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइक माई पी के। जनरमैन, ये इस महीने में तकरीबन दो माह में ये मेरा तीसरा बाइक है जो मैं ले रहा हूँ। प्रीवियस बाइक जो मेरा था, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपने देखा था, जिसका हैंडल बार का मसला हो गया था, तो वो रिसेंटली मेरे बॉस ही हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे ले लिया कि ये मुझे दे दो बाइक। तो ठीक है, मैंने दे दिया उन्हें। आफ्टर दैट आई हैड टू बाय अ न्यू बाइक, सो आई लिटरली डिड। मुझे बाइक ख़रीदना ही था, उसके बाद तो मैंने खरीद लिया। 2018 मॉडल है ये, और कौन सा बाइक है, चलिए पर्दाकुशाई करते हैं इसकी। 1, 2, 3। अब जब मैं पर्दाकुशाई करूँगा तो बाज़ लोग कहेंगे जितने दिखोती उतनी वन निकल होती, फिर ये बाइक देखते हैं कौन सा बाइक है। 1, 2, 3 गो। सो जेंटलमैन, हियर्स अ न्यू बाइक, आई होप यू गेस इट राइट। कौन सा बाइक है ये? सुजुकी GS 2018 मॉडल। जैसे कि मैंने कहा था कि बाज़ लोग कहेंगे कि जितने भी खोती उतनी वंच करोती, येस, और आई हैव माय ओन रीजंस एज वेल। बिफोर मैं इससे पहले कि मज़ीद बात करूं, थोड़ी सी और पर्दाकुशाई कर देते हैं इसकी, और लेट मी शो यू द कलर ऑफ इट एज वेल। सो देयर यू गो, हियर इट इज, अपने असली कलर में बाइक आ चुका है। सो नाज़रीन, बताने का मकसद ये था कि बाज़ लोग कहते हैं कि यार, जैसे कि मेरी एक और गेस्ट अपीयरेंस थी पार्क मोटो व्लॉग में नईम भाई के साथ, तो उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि आपने हारिस को बुला लिया, हु इज़ अ यामाहा एम्प्लॉई, तो वो यामाहा की बात करेगा। मेरे बारे में आपने कहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि मैं आई एम अ सुजुकी फैन बॉय, सो मैं सुजुकी की ही तारीफ़ करूँगा, तो 1 to 5 के अगेंस्ट जाऊँगा। देखें, मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो मेरी अकॉर्डिंग टू माई नीड्स है, क्योंकि मैं एक शहर से दूसरे शहर जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, सो फॉर दैट पर्पस यस। अगर आप लोगों के कंसर्न्स इस वजह से हैं इसकी लुक्स को लेके, यस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अगलीस्ट बाइक यू विल एवर सी। बहुत बुरी इसकी शेप है, बहुत पुरानी शेप है, इट इज़ नॉट प्लीजिंग टू योर आइज, यस आई डू अंडरस्टैंड इट, बट सम ऑफ यू जो इसकी बुराई करते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट इवन राइड दिस बाइक येट। आप लोगों में से अभी तक कोई इसकी सवारी भी नहीं की कुछ लोगों ने, और वो फिर भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ, ये 3-4 दिन पहले हुआ। ये बाइक लेके मैं अपने कॉलेज गया, तो वहाँ पे एक मेरा स्टूडेंट ही था, हु हैपेंस टू बी होंडा CG125 फैन, और उसने 2018 मॉडल भी रखा हुआ था, तो somehow उसका एक्सीडेंट हो गया, वो रैक हो गया कम्प्लीटली बाइक, तो अब वो सोच रहा है कि मैं नया बाइक कौन सा लूँ। तो उसने मैंने उसे बड़ा कहा कि GS ले लो यार, आप ट्राई तो करो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं लेना एंड ऑल दैट। सो ऐसे ही उसने कहा यार चाबी दो ज़रा, मैं सर चाबी दे ज़रा, मैं छोटा सा चक्कर लगा। जब चाबी उसे दी, उसने चक्कर लगाया, तो उसकी स्माइल यहाँ से यहाँ तक थी, एंड लिटरली ही डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस बाइक। यस, लुक्स इसकी देखें, अगर इसकी लुक्स अगली हैं तो इट इज़ नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम होंडा CG125। ये एक ही लुक शेयर करते हैं बेसिकली, सो यू डोंट कॉल इट अगली बाइक। हम 40 साल से अगली बाइक देखते आ रहे हैं, ठीक है, सो वी आर यूज टू इट। सेकेंडली, इसकी माइलेज बहुत अच्छी है कंपेयर टू माई लास्ट 2017 मॉडल, वो 41 किलोमीटर करता था 12 लीटर, ये अभी कर रहा है 45, सिटी में कर रहा है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रैफिक का हाल भी बताऊंगा, जो एबटाबाद से मानसरा के दरमियान है, लिटरली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इस वक्त ट्रैवल हो रहा है, तो उसमें ये 45 किलोमीटर कर रहा है। अगर मैं किसी लॉन्ग टूर पे मुजफ्फराबाद गया या इधर उधर गया इस बाइक पे, तो फिर मैं आपको इसकी रियल माइलेज बताऊँगा कि लॉन्ग रूट पर ये कितनी कर रहा है। आई होप इट विल बी अराउंड 48 to 1 liter, विच इज़ वेरी गुड गिविंग द प्राइस राइट नाउ। अभी 101 रुपये तो पेट्रोल की प्राइस है इस वक्त। एनी वेज, कम्फर्ट के लिहाज से अमेजिंग, माइलेज के लिहाज से अमेजिंग, ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से अमेजिंग, सो इट चेक्स ऑल द बॉक्सेस, यू नो। सो इसलिए मैं बार बार, मुझे कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आती जिसके पीछे मैं जाऊँ, और जो इतना ड्यूरेबल भी हो, जो इतना फैंटेस्टिक राइडिंग प्लेयर भी हो जिसका, और जो इतना ट्रस्टवर्थी बाइक भी हो, सो आई डोंट सी एनी अदर बाइक लाइक दैट। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई बाइक है, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ यू विल से होंडा CB150F, I have ridden that bike as well, but I'm not really a big fan of it. Or baki 150 category mein I don't think so, jo long route ke liye ho. So this is my choice. This is what I like about Suzuki, and this is my bike again. Hopefully it is going to stay a little bit.
अब कुछ अर्सा रहेगा ये बाइक मेरे पास, उम्मीद है। तो यस दैट्स प्रीटी मच इट। यस मैंने लिया कितने में था ये, मैंने 500 किलोमीटर चला हुआ बाइक लिया, तो रियल प्राइस तो इसकी 143,500 से बढ़कर 147,000 प्राइस हो चुकी है इसकी। लेकिन ये मुझे मिला 500 किलोमीटर चला हुआ था तो 135 के करीब मुझे पड़ा, तो विच इज़ अ वेरी गुड डील आई वुड से। सो यस थैंक यू वेरी मच, दैट वाज द रिव्यू टुडे, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू लीव। थैंक यू वेरी मच, हैव अ फैंटास्टिक डे।